हेलो गाइस, मैं मरियम अग्रवाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किया सेल्टोस का। यार एक एक्सीडेंट में दोस्त की गाड़ी थी तो यार उसका मतलब कि हाईवे पे ही ना पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। मतलब पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, उसने दो गाड़ियों को टक्कर मारी जो कि मतलब उस गाड़ी में बजी है सेल्टोस में, ठीक है। तो उसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाऊंगा जब गाड़ी ठीक होके आ जाएगी ना मतलब सर्विस सेंटर से। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो सर्विस सेंटर में ही है, वर्क क्वालिटी रहेगी इनकी और मतलब जैसे फिटिंग रहेगी टेल गेट, क्योंकि उस गाड़ी का पूरा चेंज होना है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे तक आप देखना तो इसमें सब कुछ दिख जाएगा कि कैसा एक्सीडेंट था और मतलब किस गाड़ी ने टक्कर मारी थी और कैसा क्या रहा था, उनकी हालत क्या थी और इस गाड़ी की हालत क्या है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वैगनर ने जो है पीछे से सेल्टोस के अंदर टक्कर मारी है और ये बहुत ही तेज टक्कर हुई थी। मतलब पीछे से वैगनर के एक इनोवा ने टक्कर मारी थी तो जाके वैगनर जो है सेल्टोस में भिड़ी है। और दिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेल लाइट वगैरह हमारी सारी फूट चुकी है लेफ्ट साइड की, ठीक है। टेल गेट पे भी डैमेज आया है, शीशा नहीं टूटा है, बस बैक साइड का रेयर ग्लास नहीं टूटा हमारा। बम्पर वगैरह सब कुछ चेंज होना ही है इसमें, क्योंकि भाई मतलब सब कुछ डैमेज हो चुका है। और ये सब जो N लिखा हुआ है वो मतलब इंश्योरेंस में क्लेम्ड होंगे पार्ट्स, जो हमारा होलोग्राम वगैरह सेल्टोस लिखा हुआ है ये सब कुछ चेंज होना है। टेल गेट पूरा का पूरा डैमेज है हमारा, ठीक है। और जितने भी बॉडी गैप्स हैं वो थोड़े से टेल गेट के हिल चुके हैं, लेकिन फिर भी टेल गेट जो है ढंग से खुल रहा है। वो भी मैं अभी आपको खोल के दिखा दूंगा कि इसमें मतलब कि क्या क्वालिटी रहने वाली है। और किया से जब हमें गाड़ी बन के मिल जाएगी ना तो उसकी क्या क्वालिटी रहेगी, वर्क क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, मतलब आफ्टर मार्केट से ही हो जाता है एक बार गाड़ी खुल जाए तो उसके बाद जो है पेंट की कैसी क्वालिटी रहेगी, ठीक है। और हमारे बॉडी गैप्स जो हैं वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे या फिर नहीं, और मतलब इस काम में कितना टाइम ले लेगी किया, कौन सी कंपनी से हमारा इंश्योरेंस क्लेम हो रहा है, ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर से भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप अंदर से भी देख सकते हो कि जितने भी हमारे पिलर्स वगैरह हैं पीछे के डी पिलर जो है वो एकदम इंटैक्ट है, ठीक है, वहाँ तक इम्पैक्ट नहीं पहुँचा है। और हमारा जो व्हील वेल भी है वहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं पहुँचा है, बस एक साइड में थोड़ा बहुत जो है माइनर से डैमेजेस आए हैं, ठीक है। बम्पर हमारा पूरा लूज हो चुका है। और यहाँ पर अगर जो है व्हील वेल आपको देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो अंदर पिचका है या फिर नहीं पिचका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे प्लास्टिक जो ट्रिम्स हमारे वो भी एकदम इंटैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप देख ही लो कि यहाँ पर इम्पैक्ट इतना नहीं पहुँचा। तो भाई हर एक्सीडेंट एक जैसा नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्टोस की भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, अंदर के प्लास्टिक पैनल्स तक नहीं टूटे हैं यार। तो अब मैं एक बार ही आपको गाड़ी के ओनर से भी मिलवा देता हूँ कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो उनके पास चलते हैं। तो भाई ये जो गाड़ी है ये मेरे दोस्त सिद्धांत की है। तो भाई ये मतलब एक्सीडेंट हुआ कैसे एकदम यार? बेसिकली हुआ क्या कि जैसे कार जो थी हाईवे पे चल रही थी, तो सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक का जो क्लॉगिंग होती है वगैरह, तो मेरे फादर ने भी स्लो करी कार को और जस्ट उन्होंने ओवरटेक ही करा था एक वैगनर को, क्योंकि वो वैगनर वाला बहुत स्लो चला रहा था कार को, तो मेरे फादर ने हल्की सी स्लो करके ट्रैफिक में रोक ली थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि एकदम से जैसी मतलब उन्होंने हल्की सी ब्रेक मारी तो वो उनको ना एकदम से आवाज सी आई कि दो तीन गाड़ियों की ठुकने की आवाज आई, पर एकदम से जैसे उनको झटका मारा तो वो भी थोड़ा आगे, एकदम जैसे कार झटके बाद जाती है आगे थोड़ा मूव करती है, तो वैसे हुआ। तो एकदम से जैसे वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरी एक जो वैगनर थी वो हमारी गाड़ी की जो पीछे से लेफ्ट साइड की तरफ पे डैमेज था, मतलब वो पूरी घुसी पड़ी थी बम्पर पे, और वो और एक तरफ का जो बंदा था, मतलब हमारी गाड़ी में दो जैसे डिक्की है तो दो ऐसे घुसे थे, तो एक तरफ का जो था वो तो निकल गया, पता नहीं उसको क्या आया कि डर गया होगा क्या, वो वीडियो में भी नहीं आया। और जो दूसरा बंदा है वो क्योंकि उसकी उसमें फैमिली थी और टचवुड है यार किसी को कुछ हुआ नहीं इस एक्सीडेंट में, क्योंकि एयरबैग सबके खुल गए थे टाइम पे, तो वो जो हमारे पीछे वैगनर वाले थे उनके उसमें छोटी बच्चियां भी थी, अच्छा, तो उनका तो पीछे का काफी डैमेज हुआ। तो उसके पीछे जो कार थी इनोवा, वो थी इनोवा क्रिस्टा, तो इनोवा क्रिस्टा वाला जो था, अब रूमर्स ही आ रहे थे कि यार वो बंदा सो गया था, क्योंकि उसमें ना कोई ट्रैवलिंग के लिए जा ही रहे थे, वो भी आई गेस मेरठ वगैरह कहीं जा ही रहे थे, तो वो ड्राइवर उसका सो गया था नींद में हाईवे पे ही, मेन जो आपका गाजीपुर हाईवे आता है वहां पे, तो उसमें एकदम से मेरे ख्याल से शायद पैनिक ब्रेकिंग करी हो कुछ करा होगा, तो वो गाड़ी 120 की स्पीड पे थी वो, अच्छा, तो वो सीधा डायरेक्ट आके वैगनर पे लगती है, जो आपके वैगनर था उसने सीधा डायरेक्ट हिट लिया था, तो उसका डैमेज बहुत ज्यादा ही आया, प्लस उसमें ये है कि कैजुअलिटी कोई भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि बस उसका पूरा फ्रेम हिल गया था, फ्रेम हिल गया उसका, और यार थोड़ा पिलर शायद बेंट भी हो गया था, इतना कुछ पता नहीं लगा। बट सेल्टोस का ये कि हाँ मेरे फादर ने कहा कि लगी थी तेज,
बट पीछे मेरे तीन जने बैठे हुए थे, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, तो वो कह रहे थे इतना कुछ मतलब बम्प नहीं आया, मतलब गाड़ी ने एब्जॉर्ब कर लिया था मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी झटका था, डिक्की ने एब्जॉर्ब कर लिया था, तो ज्यादा डैमेज नहीं आया, मतलब ग्लास भी टूटा नहीं, रेयर ग्लास जो है। तो भाई अभी तो हम मतलब कि ये सारा डैमेज देखने के बाद अभी सर्विस सेंटर के बाहर ही खड़े हैं, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो यार अभी गाड़ी को देखने ही आए थे, तो अब देखेंगे यार ये गाड़ी जो है सर्विस सेंटर में आई थी 29 नवंबर को, ठीक है 2021, और आज है 30 नवंबर। तो अब मतलब इसके क्लेम के जो पार्ट्स हैं वो इसका सारा काम, मतलब जो आप देख रहे थे नंबर वगैरह लिखा हुआ था गाड़ी का और एन लिखा हुआ था, तो वो सब कुछ चेंज होना है। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि किया वालों का सर्विस सेंटर में मतलब कि कितने दिनों में इसका क्लेम हो जाएगा, और इसका मतलब कि कितने दिनों में इसका काम होके गाड़ी रेडी होके आ जाएगी हमारे पास। तो इसका वैसे किस कंपनी से था इंश्योरेंस? टाटा AIG से ही था इसका इंश्योरेंस। तो अभी देखेंगे कि मतलब कि ये इसका कैशलेस इंश्योरेंस था, तो ये कैसी सर्विस रहती है किया वालों की, तो वो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब ये ठीक होके आ जाएगी तो रिपेयर क्वालिटी कैसी थी तो वो आपको आगे की वीडियोज में मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।